दोस्तों इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं, कुछ सस्ते हैं तो कुछ महंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग घूमना चाहते हैं पर उनका बजट नहीं होता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो प्लेसेस बताऊंगा जहां पर आप सस्ते में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई भी प्लेसेस आपके लिए जब ही सस्ती होगी जब वो आपके नज़दीक होगी। इसलिए मैंने इंडिया को 6 जोन में डिवाइड किया है, जिसमें ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से स्टेट में पढ़ते हैं और कौन से जोन में आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मैप का लिंक दिया है, उसमें जाके आप इजीली ये देख सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन से चीपेस्ट ट्रैवलिंग प्लेसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये तो अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो आप आसपास की जगहों पर घूम सकते हैं, वो है उड़ीसा, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोलकाता। और कोलकाता में आपको बहुत सारे अच्छे ट्रैवलिंग प्लेसेस मिल जाएंगे, तो आप इन्हीं जगहों पर घूम सकते हैं और आप इजीली 5 से 7 हज़ार में अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ। वेस्ट इंडिया में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे पड़ता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान। दोस्तों गोवा जो है वो चीपेस्ट प्लेस में नहीं आता है, इसलिए मैं गोवा इसमें नहीं रखूँगा। आप घूम सकते हैं जयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, लोनावला, महाबलेश्वर, दमन दीव, माथेरम। ये सारी जगह आपको घूमने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी और आपको खूब मज़ा भी आएगा। तो अगर आप रहते हैं साउथ इंडिया में तो आपकी आसपास की जगह पड़ेंगी केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी। तो इन स्टेट में आप घूम सकते हैं और वो सारे अननोन प्लेसेस भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको घूमने के लिए मिलेगा मुन्नार, ऊटी, पौंडीचेरी, मैसूर, तिरुपति बालाजी और केरल। यहाँ पर आप साउथ इंडिया में बहुत सारी डेस्टिनेशन घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं सस्ते में। तो अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। नॉर्थ इंडिया में पड़ता है दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके नियर बाय प्लेसेस ये पड़ेंगे, तो आपके आसपास की घूमने की जगह पड़ेंगी मसूरी, शिमला, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, डलहौजी, धर्मशाला, अमृतसर एंड मनाली। तो अब देखते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ। सेंट्रल इंडिया में पड़ता है छत्तीसगढ़ और एमपी। तो अगर आप इन दोनों में से कहीं रहते हैं तो आप पहले तो इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट, क्योंकि आप सेंट्रल में हैं। तो अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ रहते हैं तो आप घूम सकते हैं आगरा, जयपुर, माउंट आबू। लेकिन अगर आप निचले हिस्से की तरफ रहते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, तो आप घूम सकते हैं पुरी, भुवनेश्वर, लोनावला, दमन दीव एंड माथेरम। तो अगर आप रहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन में, जो कि हमारा 6 जोन है, तो आपको नियर बाय प्लेसेस मिलेंगे घूमने के सिक्किम, मणिपाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा और असम भी, सॉरी, तवांग, चेरापुंजी, गैंगटोक और शिलोंग। तो यहाँ पर आप नियर बाय प्लेसेस में घूम सकते हैं और नियर बाय होने की वजह से आप कम पैसों में यहाँ पर घूम पाएंगे।